Akbar and Birbal. बीरबल, बहुत गर्मी है, चलो नदी में चलकर नहाते हैं। हुजूरे वाला, मैं घर से कभी नहाए बगैर नहीं निकलता। ऐसी बात है? जी हाँ जहाँपना, बचपन से ही मेरी आदत रही है। पिताजी ने सूरज उगने से पहले ही नहाना सिखाया है। फिर भी तैरने के लिए आ जाओ, थोड़ी ठंडक के लिए। हुजूरे वाला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बदलने के लिए अपने अलग से कपड़े लेकर आता। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। यहाँ नहीं जहाँ पना, कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं जहाँ आपको कोई देख ना सके। ओ, यमुना के पानी को देखकर पल भर के लिए तो हम भूल ही गए कि हम शहंशाह हैं। चलो आगे चलते हैं। जहाँ पना, यहाँ आसपास कोई नहीं है, ये सही जगह है आपके नहाने के लिए। चलो ठंडे पानी का मजा लेते हैं। ये टहनियां इतनी ऊंची हैं, कहाँ रखूं इसे? अब जमीन पर तो नहीं रख सकता। राजा बीरबल तो पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं, ये नहा चुके हैं, जब तक हम ठंडे पानी का मजा लेते हैं ये हमारे कीमती कपड़ों की देखभाल भी कर लेंगे। बीरबल, हमारे कीमती कपड़े कीचड़ में गिराकर खराब मत कर देना। ये लोग और कितनी देर लगाएंगे नहाने में? अच्छा, आज तो इन्होंने मुझे उल्लू बना दिया। बीरबल, शायद तुम थक चुके होंगे। अफसोस है, ऐसी गर्मी में हम तो ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं और तुम एक गधे का बोझ लिए खड़े हो। सिर्फ एक गधे का बोझ नहीं जहाँ पना, चार चार गधों का बोझ। बीरबल, एक नंबर के शैतान हो तुम।